आज एक ऐसे विषय के ऊपर मैं बात करूंगी जिसके बारे में हर जगह पे चर्चा होती है, यानी कि गणेशा घर के अंदर कितने होने चाहिए, किस डायरेक्शन में इन्हें प्लेस करना चाहिए और कितने गणेशा जो है पूजा के स्थान पे रखे जा सकते हैं। लेकिन गणेशा को प्लेस करने से पहले और इसका जो एक एस्ट्रोलॉजिकल और वास्तु की दृष्टि से महत्व है उसको जाने बिना अगर हम इन्हें प्लेस करें, रिमूव करें, तो हो सकता है हम इनकी ट्रू सिग्निफिकेंस और इनके विषय में जानकारियों के से अछूते हैं। तो सबसे पहले जानकारियाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और गणेशा को हम जब भी अपने घर के अंदर लेके आते हैं तो सबसे पहले उनकी वंदना इस तौर पे की जाती है कि वो सर्व विघ्न हर्ता और प्रथम पूज्य देव हैं, यानी कि श्री गणेश जो वर्ड है, यानी कि कोई भी कार्य को श्री गणेश कहा जाता है कि इसका श्री गणेश कर दिया जाए, यानी कि कोई भी कार्य प्रारंभ ही गणेश जी की प्रेजेंस से होता है। अब इतने इम्पॉर्टेंट देव जो विघ्नहर्ता भी हैं और जिनके बिना कोई कार्य प्रारंभ भी नहीं होता है, तो उनकी गिनती और उनकी प्लेसमेंट इसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई कार्य हम लोगों के जीवन में रुक रहे हों तो उन्हें स्टार्टअप करना, उन्हें शुरुआत करना, उनको उनकी इनिशिएशन करना, इसके लिए गणेश जी की वंदना की जाती है। तो गणेश जी को हम सीधे और स्पष्ट तरीके से अगर अपने घर के उस पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड में लगा दें जिस फील्ड का जो एट्रीब्यूट हम लोगों के जीवन में कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो वो कार्य इमीडिएटली इनिशिएट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि कार्य संपूर्ण होना शुरू हो जाएगा। अब बात की जाए कि गिनती, अब मान लेते हैं कि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आपके जीवन में धन आता भी है, लेकिन धन की सेविंग्स नहीं हो पा रही है, तो प्रॉफिट्स और गेन्स की दिशा वेस्ट होती है। अगर हम उस दिशा के अंदर मल्टीपल गणेशा को डेकोरेट करेंगे तो नेचुरली हम एंजॉय करेंगे कि हमारे जीवन के अंदर वो इनिशिएशंस सेविंग और प्रॉफिट्स की बढ़ जाएंगी। जब वो बढ़ जाएंगी तो हमारी समस्या का ऑटोमेटिकली निदान हो गया। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में रखे हुए गणेशा की। नॉर्थ ईस्ट में अगर एक गणेश स्थापित हैं तो वो हमें विजन देंगे, क्लैरिटी देंगे, थॉट्स में स्पष्टता देंगे, और अगर हम लोग कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रखते हैं तो हमें वो शक्ति को वो सृजन करेंगे। अगर वहाँ पे दो गणेशा हम प्लेस कर देंगे तो नेचुरली एक की जगह दो थॉट्स आएंगे और दो थॉट्स हमेशा कन्फ्यूज़न की तरफ ले जाते हैं। हम ऑप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि विच वन इज़ करेक्ट, कौन सा इनिशिएट करें कौन सा नहीं करें। तो इस तरह से हमें देखना है कि गणेशा हमने प्लेस कहाँ किए हैं। मान लीजिए कि कोई एनर्जी हमें ब्लॉक्ड दिखाई दे रही है, मान लीजिए सोशल एसोसिएशन का जोन हमारा जो है, जोनल एनर्जी जो है, हमारे वर्क ही नहीं कर रही, हमारे दोस्त नहीं बनते, हमारे न्यू कॉन्टैक्ट्स नहीं है, हमारे जीवन में लोगों की कमी हमें खलती है, अकेलापन महसूस होता है, तो हमें ईस्ट के जोन में गणेशा को डेकोरेट करना चाहिए। अगर हमारी चर्निंग की कैपेबिलिटी कम है, हम रिसर्च वर्क से जुड़े हुए कार्यों में कहीं उलझे हुए हैं, तो हमें इस साउथ ईस्ट में गणेशा को रखना चाहिए। तो ये स्टार्टर का काम करेंगे, एक स्टार्टअप जो होती है इनिशिएशन का कार्य करते हैं। अगर इन्हीं से रिलेट करते हुए हम किसी स्किल में डेफिशिएंसी फील कर रहे हैं, हम स्किलफुल होना चाहते हैं लेकिन हम अपनी उस स्किल को क्रिएटिव तरीके से दिखा ही नहीं पा रहे हैं, तो हमें स्किल जोन यानी कि साउथ वेस्ट के एनर्जी फील्ड को गणेशा की प्रेजेंस के साथ में एक्टिवेट करना चाहिए। इसी तरह से अगर हम जो नेगेटिव जोनल एनर्जी फील्ड्स हैं, जैसे कि साउथ साउथ वेस्ट है जिसको हम विसर्जन की क्रिया कहते हैं, यहाँ पे अगर गणेशा को रखेंगे तो सीवियर कॉन्स्टिपेशन को भी हम हील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिपेटेड फील नहीं कर रहे हैं और गणेशा को रखने के बाद आपकी कॉन्स्टिपेशन से रिलेट करती हुई समस्या खत्म हो चुकी है, तो आप यहाँ से इसे इमीडिएटली रिमूव कर दें, और जब दोबारा आपको कभी तकलीफ आए तो आप साउथ साउथ वेस्ट में इस रेमेडी को यूज़ करके मेडिकली हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बच्चों की पढ़ाई में फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट के एनर्जी फील्ड में गणेशा को प्लेस कर सकते हैं, और वो गणेशा जिनके हाथ में बुक्स हो, जिनके हाथ में कलम हो, इस तरह की सिंबॉलिक गणेशा को वहाँ पे प्रेजेंट करने से बच्चों का फोकस, बच्चों की स्टडी में जो इंटरेस्ट है उसको हम कल्टीवेट करने में उनकी मदद करते हैं।
नॉर्थ में प्लेस किए हुए गणेशा हम लोगों के जीवन में न्यू अवसर प्रदान करते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी तो हम अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर पाएंगे, हमारे लिए एक मार्केट, एक सेल्स की अपॉर्चुनिटी वो अवेल कराएंगे। तो वहाँ पे रखे हुए गणेशा अगर हम ऑनिक्स के या ग्रीन कलर के प्लेस करेंगे तो हमें और भी बेहतर रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद रहती है। अगर हम डिप्रेशन के जोन के अंदर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में गणेशा को प्लेस करेंगे तो डिप्रेशन को वो इंक्रीज कर देंगे। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में गणेशा को ना रखें। डिस्पोजल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ के जोनल एनर्जीज़ की अगर हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ के डिस्पोज ऑफ करने की, तभी वहाँ गणेशा को रख के रेमेडी की जाती है, अदरवाइज वहाँ से गणेशा को हटा दिया जाता है। और अगर आप इसकी जगह पे स्वास्तिक का भी इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको इक्वली गुड इम्प्लीकेशंस और इफ़ेक्ट मिलेंगे। वेस्ट एक ऐसी एनर्जी फील्ड है जहाँ पे रखे हुए मल्टीपल गणेशास हम लोगों के जीवन को समृद्ध करते हैं, हम लोगों के जीवन में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और सेविंग्स को हेल्प करते हैं। तो इस तरह से गणेशा कितने रखने चाहिए, कितने नहीं रखने चाहिए आपको मैंने आज बताया। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पे दो गणेशा नहीं होने चाहिए, पूजा के स्थान पे दो गणेशा नहीं होने चाहिए। घर के अंदर अगर हम मल्टीपल गणेशास को डेकोरेट करना चाहें तो वेस्ट की डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन। इस तरह से उम्मीद है ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा और आप अपना फीडबैक इनबॉक्स हमें ज़रूर लिखें ताकि हम आपके लिए कुछ नया लेके आएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।